हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो भाई जानते हो मैं बहुत लेट हो गया है भाई, काफ़ी दिनों से वीडियो में नहीं डाल रहा भाई, क्या बताऊँ। लेकिन छोड़ो भाई, आज एक टॉपिक मिला, एक्चुअली कल रात को मिला था, मैंने कल रात को कर लिया क्योंकि भाई पता नहीं था ये सुबह कर पाऊँगा या नहीं, मेरे को यकीन नहीं था, इसलिए भाई अभी कर रहा हूँ। तो भाई सबसे पहले वो मैंने इवेंट्स खेले थे उसका देख रहे, तो ये इवेंट बचाओ, ये तो भाई वो इंडिगो प्लेटो का है, मेरे लिए कुछ खास नहीं है। तो ये भाई मैं थर्ड प्लेस पे, अबे यार मेरे को सुबह खेलना चाहिए था, वैसे उठा ही मैं 11 बजे था शायद या 10:30 बजे, तब तक ख़त्म भी हो गया। लेकिन भाई इतना लेट, भाई मैं फर्स्ट पे था कल रात को, मैंने कल रात को फर्स्ट पे ले जाके छोड़ा था और भाई मैं थर्ड पोजीशन पे आ गया, नहीं खेलना चाहिए था। और ये क्या इंडिगो प्लेट, मेरे को पता है मैं 32 पे होऊंगा भाई, मेरे को लगा अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन कुछ खास रिवॉर्ड नहीं मिला। तो छोड़ो, एक्चुअली मैं जो वीडियो बनाने आया था वो भाई मेरे ट्रेनर लेवल के ऊपर था, मैंने 240 ट्रेनर लेवल कर लिया और भाई इसका मतलब आप लोग जानते हो, मेरे को मिल चुका है जेशियन का क्राउन स्वॉर्ड फॉर्म। और उसको मैंने भाई लिंक नहीं किया कल रात को क्योंकि मेरे को पता था आज सुबह ये वीडियो शायद बनाऊँ, तो भाई इसलिए भाई आज इसका एक्चुअली नाम क्राउन स्वॉर्ड। चलो भाई इसे लिंक करते हैं अपने जेशियन के साथ। भाई जेशियन है वन स्टार का, मैंने देखा नहीं भाई, ये एक्चुअली वन स्टार का पड़ा हुआ है क्या? और मैंने कॉर्विनाइट को 6 स्टार कर दिया, चलो अच्छा ही हुआ। अपना जेशियन किधर है? ये रहा, ये एक शायद एक पोकेमॉन बाकी है जिसका 6 स्टार नहीं हुआ अब तक, इसको भाई 6 स्टार बोल रहा हूँ, 7 स्टार करना पड़ेगा। मेरे पास डीटो कितने हैं देखते हैं एक्चुअली, और डीटो 2 डीटो है, तो चलो इसको स्टार अप कर ही देता हूँ थोड़ा बाद में, नहीं तो मैं भूल जाऊँगा। तो चलो इसका भी 5 स्टार हो गया, 5 स्टार खा लेना चाहिए। तो भाई मेरा तो टीम का एल लगा पड़ा है एक्चुअली में, ये क्या था भाई, मेरा टीम का भाई ये लगा पड़ा हुआ है। और भाई मैंने लकी फ्लॉप भी खेला था तो वहाँ से मेरे को कुछ घंटा रिवॉर्ड नहीं मिला, मेरे को कुछ मतलब कुछ रिवॉर्ड वगैरह कुछ भी नहीं मिला सही से। और भाई मैं रियल टाइम अरीना भी खेल नहीं पाया, थोड़ा खेला था मैंने और उसके बाद नहीं खेला, मैंने थोड़ा सा खेला था तो उससे उसके हिसाब से भाई मैं 210 को स्कोर कर पाया। भाई ये खेलने का मन ही नहीं होता एक्चुअली में, मेरे को मन नहीं होता है ये खेलने के लिए। और भाई मैं अभी स्पिन कर सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन मेरे को क्या कुछ नहीं चाहिए भाई एक्चुअली में, और मेरे को आरडी भी वेस्ट नहीं करना। तो चलो यहाँ पे एक होप है स्पिन करता हूँ, यहाँ पे होप है भाई शायद मेरे को अच्छा खासा हो मिल जाए क्योंकि मेरे पास मेगा हो भी है, वो भी यूज़ करता हूँ मैं, नॉट इफेक्टेड ही है नॉट इफेक्टेड। यार मेरा लक भाई क्या बताऊँ, गंदा लक है मेरा, पूरा गंदा। और मैंने कॉर्विनाइट पकड़ा था जिसकी वजह से मेरा ट्रेनर लेवल वो बढ़ा था, मैंने शायद बात दिखाया नहीं होगा, मैंने 2 कॉर्विनाइट पकड़े थे और मैंने 1 को स्टार्टअप के लिए यूज़ कर दिया, 1 डिटो बच गया क्योंकि ये मैं यूज़ कभी नहीं करने वाला ज़िंदगी में, तो भाई इसको बेकार में एक नीचे रख के मैं क्या करूँ। तो इसको मैंने 7 स्टार कर ले और इस वजह से मेरे को 3 ट्रेनर लेवल मिल गए, तो मेरा 240 ट्रेनर लेवल हो गया। लेकिन मेरा सीपी भाई देखो सिर्फ 4.6 मिलियन और इतना छोटा सा सीपी, भाई एक्चुअल में मेरे सर्वर की सबसे बहुत कम सीपी है भाई, मेरे सर्वर वाले कितना प्रो है। और मेरा जिम रैंकिंग भी अब भाई बहुत गंदा हो चुका है क्योंकि मैं दिखा देता हूँ जिम वगैरह, मेरा जिम वगैरह भी बहुत गंदा पिट चुका हूँ मैं, ये भाई सर्वर का फर्स्ट प्लेयर भाई ये सेबे हो सकता है एक्चुअली में, ये ट्रैश गेम भाई क्या सर्वाइवर दे रखा है इसने भाई, ये प्रो है और इससे प्रो भाई ये, भाई 6.2 मिलियन वाला बंदा 303 ट्रेनर लेवल और 130 इन मतलब डाइविंग बेस्ड रैंकिंग में। भाई हर जो वीआईपी प्लेयर होते हैं ना भाई सब वियतनाम प्लेयर होते हैं, पता नहीं क्यों मेरे को वियतनाम में जन्म लेना चाहिए था। तो भाई इस एक्चुअली में वियतनामीज प्लेयर भाई कैसे कैसे भाई बनाते हैं, मतलब यूट्यूब मतलब अकाउंट बनाते हैं भाई, यूट्यूब बोल रहा हूँ मैं, अकाउंट बनाते हैं भाई, इतना भाई पैसा इनके पास कहाँ से आता है। मैंने जितने भी वियतनामीज प्लेयर देखे सब भाई बहुत मतलब टॉप अप करने वाले, ये भी कौन बंदा है 200
253 है ट्रेनर लेवल है इसका भाई, ऐसा कलर चेंज होता है ना, तो मेरे को और 10 ट्रेनर लेवल चाहिए। जुगाड़ करूँगा मैं, हो जाएगा जुगाड़, चिंता नहीं है मेरे को। और ये कौन है, ओमी बाजू, इसका भी 5.3 मिलियन, और मेरा कहाँ भाई। पोकेमोन देखो, मेगा म्यूटू एक्स भी ले रखा है इसने। हाँ भाई मेरा क्या होगा, मेरा रैंकिंग भाई मैंने अभी सही किया है, वरना मैं तो बहुत पीछे था, अभी सही किया है मैंने भाई। देखो भाई ये मैं 17-18 पे हूँ, और भाई मेरे सर्वर के दो बंदे मेरे से ज़्यादा सीपी वाले हैं, इस वजह से वो अच्छी रैंकिंग में आ जाते हैं, मैं ही भाई गंदा। यहाँ पे देखो फोर्थ पे ये कमीना बंदा भाई मेरे को भाई बहुत परेशान करता है, तो मैंने इस पर अटैक करना छोड़ दिया। इसका भी 4 मिलियन सीपी है, लेकिन भाई इसका म्यूटू जो है ना डाइविन बीच पे सेकंड रैंकिंग पे है, तो इस वजह से इसका म्यूटू भाई एक्चुअल में बढ़िया है। तो भाई मेरा और मेरा नॉर्मल म्यूटू यूज़ करता हूँ मैं, क्या ही हो पाएगा मेरा, इस वजह से भाई पावर नहीं देता। मेरे को अपना टीम भाई बहुत सही करना पड़ेगा, अभी भी बहुत काम बाकी है टीम पे। और भाई क्या करूँ, मेरा भाई ये इस गेम से मन उठ गया भाई एक्चुअली में, क्योंकि भाई ये भाई मैं इतना गंदा हो चुका है भाई, वीआईपी प्लेयर्स के साथ कॉम्बैट करने में भाई मेरी जान निकल जाती है। पहले पहले भाई थोड़ा बहुत सही सही प्लेयर्स आते थे, अब तो भाई सर्वर मर्ज के बाद जो बंदे बचे सारे वीआईपी प्लेयर, और सारे टॉप अप करके भाई ऊपर पहुंच गए, और भाई अच्छे खासे रिवॉर्ड मिल जाते हैं उनको, जिस वजह से वो और भी मतलब सीपी इंक्रीज़ कर लेते हैं। और भाई मेरा क्या होगा, अब उनका क्या होगा। और भाई मैं हर रविवार को ये खेलना भूल जाता हूँ, जिस वजह से भाई मेरा ये फ्रेम भी नहीं निकल रहा, जिससे थोड़ा सीपी इंक्रीज हो, पता नहीं किस जन्म में होगा। और मेरे पास शायद प्लेट अपग्रेड के लिए कुछ था टोकन वगैरह, मैं प्लेट थोड़ा अपग्रेड करता हूँ, कि मेरे प्लेट भी देखो भाई दो मैंने निकाल के रखे, लेकिन स्टार्टअप नहीं कर पा रहा। वैसे मेरे पास ये वुडवर्क था ना, हाँ है तो मेरे पास, मैं स्टार्टअप कर सकता हूँ, मैं भूल गया यार। इसको स्टार्टअप करने के लिए कितना लगेगा, 10, उतने तो नहीं है। और ये भी दो दो स्टार्टअप हो चुके हैं, तो इसे एक और स्टार्टअप मिल दे ही देता हूँ मैं। चलो भाई 8000 सीपी इंक्रीज हुआ, नाइस भाई बहुत बढ़िया, ये तो भाई मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। किसको करूँ किसको करूँ, किस प्लेट को करूँ, हाँ इसे कर रहा था तो इसे दे देता हूँ, वैसे एक ही इंक्रीज हुआ। कितना सीपी इंक्रीज हुआ, हाँ उतना नहीं, छोड़ो जितना हुआ उतना ही काफ़ी है, मेरे को और वर्क भी चाहिए और प्लेट्स वगैरह भी चाहिए। हाँ मैं भूल गया, मेरे पास ये है, तो यहाँ से मैं फॉरबेरेंस लेने वाला हूँ, पिछली बार गार्डियन लिया था, इस बार फॉरबेरेंस भाई प्लीज़, इस बार ये भी रेड हो जा तो भाई मज़ा ही आ जाएगा मेरे को। ये अगर रेड हो गया ना भाई तो भाई लक अच्छा है अपना, नहीं होगा देखो पर्पल तो शायद ऑरेंज हो सकता है, मतलब इस बार नहीं, ऑरेंज फॉरबिनेंस निकल जाएगा मेरा एक और, तो चलो वो भी सही है, मैं किसी और पोकेमोन को ऑरेंज फॉरबिनेंस दे सकता हूँ, जैसे कि अपना ये गार्डियन किसको दिया पता नहीं, और ये वंडर भी पता नहीं। ये गार्डियन तो मेरा ग्रोडोन का है, ये फॉरबिनेंस मेरे म्यूटू का है, और ये गार्डियन मेरे मेरिकवाजा को दिया है, और गार्डचम को क्या दिया भाई मैंने, गार्चम को शायद वार्ड स्प्रिट दिया है उसको भाई, तो अगर ऑरेंज फॉरबेरेंस निकल गया तो फॉरबेरेंस दे दूंगा ऑरेंज वाला, वो भी सही है। और एक कैंडीपर से मैं अपना म्यूटू रेविनरेस 20 रैंकिंग ठीक करूंगा, उसमें भाई बहुत मेहनत करने जाना पड़ेगा, मेरा अभी 1100 हुआ है शायद, 1200 हो गया, हाँ 200 हुआ है, तो भाई मेरे को कम से कम अभी भी 600 चाहिए स्कोर, ताकि मैं नॉट इफेक्टेड पे आ जाऊँ, नॉट इफेक्टेड उसके बाद भी मेरे को अगर 3 पे जाना होगा तो कम से कम मेरे को 3000, मतलब इन दोनों को तो बीट करना ही पड़ेगा। मैं भाई बहुत करूँगा मतलब डोनेशन, अभी भाई आरडी से मेगा रिक्वाज और जाइगार्ड मैं शायद ना निकालूँ अभी के लिए, क्योंकि मेरे को अभी भाई चाहिए मेरा मेगा म्यूटू, वरना भाई मेरा टीम ज़्यादा अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, मेरे को मेगा म्यूटू चाहिए। और भाई ये क्रोन सॉर्ड भी अच्छा है, मैं उसको भी स्टार्टअप करके सोच रहा हूँ अपने टीम में घुसा लूँ उसे, लेकिन किसके जगह घुसाऊँगा ये भी तो बात है, देखा जाएगा बाद में भाई, क्योंकि अभी के लिए तो वो इम्पोर्टेंट बात नहीं है। तो भाई मैं पोकेमोन की यूनाइट की वीडियो बनाया था एक, लेकिन भाई उसमें
एक दिक्कत आ गई, मैंने जो ये बातचीत किया था वो भाई थोड़ा आवाज़ लो था और मेरे गेम का जो साउंड इफ़ेक्ट था वो बहुत ज़्यादा हाई था, तो भाई मेरी आवाज़ दब गई उस साउंड इफ़ेक्ट में। तो भाई वो नहीं, इसलिए मैंने वो डिलीट कर दिया और नहीं छोड़ा वो, वरना मेरा पोकेमॉन यूनाइट का फर्स्ट वीडियो आ जाता अब तक। तो आज अभी भाई ये वीडियो बना के गेम खेलने जाना है, दोस्त लोगों ने बुलाया था, मैंने बोला भाड़ में जाए तू, अभी की वीडियो बना के आता हूँ, अभी जाऊँगा तो गालियाँ पड़ेगी, उसके बाद भाई खेलूँगा उनके साथ, तो शायद एक वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, अगर अच्छा हुआ तो भाई उसे अगली बार मतलब चैनल पर डाल दूँगा। तो गाइज़ मैंने ये बकवास करने के लिए आप लोगों का टाइम वेस्ट किया है, तो भाई ये और टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो यहीं भी ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक कर दो, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को शेयर कर दो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।